अस्सलाम वालेकुम। आज अपन इयत्ता नववी विषय मराठी पाठ क्रमांक 9 संत कबीर। संत कबीर यांचे बालपण, त्यांच्या स्वभावाची वैशिष्ट्ये, त्यांचे विचार यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। हा पाठ मोठा आहे, आपण याचे दोन भाग करूया, भाग एक व भाग दोन। आता आपण पाठाकडे वळूया। कितीतरी वर्षापूर्वीची गोष्ट, उत्तर प्रदेशात वाराणसी नावाचे एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे। तीर्थक्षेत्र पवित्र धार्मिक स्थल। यानी बहुत साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाराणसी नाम का एक गांव है और वहां पर एक तीर्थक्षेत्र है। मैंने आपको बताया तीर्थक्षेत्र यानी कि क्या, पवित्र धार्मिक स्थल। तेथे नीरू नावाचा एक विणकर राहत असे, तो मोठा कष्टाळू व सदाचारी होता। और वहां पर एक नीरू नाम का शख्स रहता था और वो विणकर था। विणकर बुनने वाला, और वो बहुत ही मेहनती शख्स था। तो आणि त्याची पत्नी दिवसभर विणकाम करून आपले पोट भरत, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांच्या त्यांच्यावर फार लोभ होता, त्यांना मूलबाळ नव्हते, मेहनती था वो। उसी के साथ उसकी पत्नी, उसकी मिसेज, उसकी घरवाली, वो भी बुनने का काम किया करती थी और उसी से जो पैसे मिलते थे उनका वो जो है गुजर बसर करते थे। उनके आजू बाजू वाले जो लोग थे वो भी उन्हें बहुत चाहते थे। उन दोनों को मूलबाळ यानी बच्चे वगैरह नहीं थे। एके दिवशी मोठ्या पहाटे नीरू बाहेर पडला। गावाबाहेर तलाव होता, तेथे तो गेला। इतक्यात त्याला लहान मुलाचे रडणे ऐकू आले। और एक दिन क्या हुआ कि जो नीरू नाम का शख्स था, घर के बाहर निकला और गांव के बाहर जब गया तो वहां पर एक तालाब था। उस तालाब के पास उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। त्या दिशेने तो पुढे गेला, पाहतो तो तेथे एक लहान मूल रडत पडलेले। त्याने त्याला हळूच उचलले आणि आपल्या छातीशी घेतले और जिस ओर से उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, नीरू उस ओर चलता गया और क्या देखता कि वहां पर एक छोटा बच्चा रोते हुए पड़ा हुआ था। उसने धीरे से उस बच्चे को उठाया और अपने छाती से लगा लिया। मूल रडायचे थांबले तो घरी आला आणि पत्नीला म्हणाला, बघ आज सकाळी आपल्याला देवाने हा प्रसाद दिला आहे। उसने उस बच्चे को लिया और अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि ये देख, आज सुबह ही जो है भगवान ने उसे एक बच्चा दिया। छान आहे मुलगा, मी त्याला माझ्या मुलाप्रमाणे वागवीन। उसकी बीवी ने कहा कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है और इस बच्चे को मैं जो है अपने बच्चे की तरह बड़ा करूंगी, पालूंगी, पोसूंगी। त्यांनी मुलाचे नाव कबीर असे ठेवले। हाच मुलगा पुढे थोर संत झाला। कबीर यांना शाळेत शिक्षण मिळू शकले नाही। दोनों मियाँ बीबी ने उस बच्चे का नाम कबीर रखा और वही कबीर कुछ दिन के बाद वो संत कबीर हो गया।
स्कूल की जो पढ़ाई थी, शिक्षण था, उस बच्चे को नहीं मिल सका। घरी मात्र त्यांना चांगले वळण लागले, देवाची भक्ती ते लहान असतानाच करू लागले। बच्चा घर पे रहने की वजह से उसे अच्छे संस्कार मिले, वालिदैन के संस्कार अच्छे मिले, उसी के साथ वो जो है यानी भगवान की, देव की भक्ति करने लगा। छोटा था तभी से वो भक्ति करने लगा। कोणाला ही मदद करायला ते तयार असत, सर्वांवर ते प्रेम करत, कोणाचे ही दुःख ते आपलेच दुःख समजत। और वो जो है तो किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो दुखी है उसका दुख वो उनका दुख समझने लगे, और सभी पर मोहब्बत की नज़रें उनकी रहती थी और सभी के साथ अच्छाई से पेश आते थे। ते दूर करायला झटत असत, विणकाम तर ते उत्तमच करू लागले। वो जो है जो बुनने का काम था उनके वालिदैन करते थे, वो देखकर वो भी जो है बुनने का काम बहुत अच्छा करने लगे। कबीर जैसे मोठे झाले तसे पैसे ही मिळवू लागले, पण श्रीमंत होण्यासाठी त्यांची दडपण नव्हती। कबीर जो है वो बड़े हो चुके थे और पैसे भी कमाने लगे थे, मगर उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊँ। पोटापुरते मिळावे व रामाची भक्ति करावी एवढेच त्यांना माहीत होते। विणकाम करतानाही त्यांना रामाचा कधी विसर पडला नाही। और गुजर बसर के लिए जितने पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा वो कमाने की कोशिश भी नहीं करते थे, और राम की भक्ति करते थे और रात दिन उन्हें कभी नहीं भूलते थे। दिन रात उनकी भक्ति में ही लगे रहते थे। रात्रंदिवस त्यांना रामाचा ध्यास लागलेला, त्यांना आता लोक संत म्हणून ओळखू लागले। रात दिन उन्हें जो है राम की ही भक्ति में रहना अच्छा लगता था, और कुछ दिनों के बाद जो है लोग उन्हें संत कबीर के नाम से पहचानने लगे। कबीर यांना चांगले लिहिता वाचता येत नव्हते, पण ते कविता रचत विणता विणता त्यांनी कितीतरी पदे व दोहे रचले। पदे कविते की रचना, लिखावट लिखना, यानी कबीर जो है उन्हें लिखते पढ़ते नहीं आता था, मगर फिर भी वो कविता लिखते थे और बुनकाम था उनका, यानी बुनने वाले थे, विणकर थे। तो उन्होंने उस काम के साथ बहुत सारी कविता के पद दोहे लिखे। त्या देवाची भक्ति है, और वो क्या समझते थे कि इन पदों में जो मैं लिखता हूँ उसी में जो है यानी भगवान की भक्ति है। लोकांना चांगले वागण्याचा उपदेश आहे या भंगासारखेच कबीर यांचे दोहे आहेत। दोहे यानी दो पदों की रचना, दो लाइन की रचना। और अभंग, अभंग बोले तो कविता लिखने का जूना तरीका है ना। तो ये जो कबीर थे ये जो हमेशा उपदेश करते रहते थे, लोगों से कहते थे कि अच्छा रहो, अच्छे काम करो, ये उनका हमेशा का उपदेश हुआ करता था। आपण सारे एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत, आपण भेदभाव ठेवू नये, और हम जो है एक ही परमेश्वर की, एक ही भगवान के बच्चे हैं। लेकरे बोले तो बच्चे हैं, और हमने जो है तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। आचरण चांगले ठेवावे, ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी, असा उपदेश त्यांनी या दोह्यातून केला आहे। और हमारे आचरण, वागणूक, तरीका ये कैसा होना चाहिए,
अच्छा होना चाहिए और इसी के ज़रिए हमें जो है भगवान पर एक श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा उपदेश वो हमेशा हर व्यक्ति से किया करते थे। बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं। भाग दो के अंदर हम बाकी के बचे हुए परिच्छेद देखेंगे इंशाल्लाह। जल्द अज जल्द आपको सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।